नाइन्थ के फिजिक्स का ग्रेविटेशन चैप्टर का पार्ट 9 है ये। इसमें तीन छोटा छोटा क्वेश्चन है जो कि अब समझना इजी होगा तुम लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन का ए, दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, इस दूरी की गणना कहाँ से की जाती है। सबसे पहले तुम लोगों को ये बतला दे, न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है ये नियम वस्तुतः गोलीय पिंड के लिए है, यानी कणों के लिए है। तो हर एक पिंड तो गोलीय नहीं होता है। मान लो हमारी पृथ्वी गोल है, चंद्रमा भी गोल है, मैक्सिमम यूनिवर्स का हाँ यूनिवर्स ये आकाशीय पिंड गोल ही है। हाँ। लेकिन अगर मार्कर की बात करें, मार्कर को यहाँ से हम लोग छोड़ेंगे तो ये तो गोल नहीं है। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम एक्चुअली गोलीय पिंड के लिए है, यानी गोलीय पिंड का अर्थ गोला, चाहे वह कण के रूप में हो या विशाल रूप में हो, पृथ्वी सूर्य ये सब जैसे। तब सवाल पैदा होता है, क्या अन्य तरह के पिंडों के लिए नहीं है? है, लेकिन इसकी गणना यानी कैलकुलेशन आसान नहीं होती है। मतलब होता है आराम से, लेकिन आसानी ढंग से नहीं, इजी वे में नहीं। और ऐसी स्थिति में जैसे देखो, ये एक पिंड है, ये एक पिंड है, तो हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर जी m1 m2 बटा r स्क्वायर होता है। तो ये r वस्तुतः ये AB दो पिंड है, तो ये दूरी हम लोग यहाँ से और यहाँ से भी ले सकते हैं नी जी। जैसे यहाँ से और यहाँ से मान लो ये दूरी है, मान करके चलते हैं 50 मीटर। तो क्या इसी दूरी की बात यहाँ पर ई नियम में हो रही है? नहीं। जो भी पिंड है उसका सेंटर लेंगे, जैसे इसका ये सेंटर हो गया और इसका ये सेंटर हो गया, तो आर वस्तुतः गोलीय पिंड के केंद्र के बीच की दूरी होती है। ये मान लेते हैं C1 और ये C2, तो आर क्या हो जाएगा? आर बराबर C1 C2, समझा? अब जस्ट आगे तो लोग बनाओगे इसी में मैथ बनाओगे, तो मान लो ये चंद्रमा पृथ्वी से बहुत छोटा है, ये पृथ्वी है अर्थ और ये चंद्रमा है, एम से मून, चलो पूरा नाम लिख दिए, इसका अपना केंद्र है, इसका भी अपना केंद्र है, तो दोनों के बीच की दूरी लेंगे तो पृथ्वी का ये त्रिज्या कितना है? मान लो ये 6400 किलोमीटर है, समझा? तो यहाँ से लेकर के यहीं तक हो गया 6400 किलोमीटर। फिर इसका चंद्रमा का भी कुछ त्रिज्या है, तो यहाँ से मतलब C1 इसका C2 मान लो, तो ये डिस्टेंस लेंगे AB नहीं बल्कि दोनों पिंडों के सेंटर को मिलाने वाली रेखा दोनों पिंडों के बीच की दूरी होती है इस फॉर्मूला में, इस समीकरण में। समझ गया पहला का आंसर? इस दूरी की गणना यानी दो पिंडों के बीच की दूरी की गणना दोनों पिंड के केंद्र से केंद्र तक की दूरी को कहेंगे। तो इसका आंसर हम लिख देते हैं, देखो जो लिखे हैं इसको पढ़ो। वस्तुतः न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम दो कणों अर्थात गोलीय पिंड के लिए है, ठीक है। इसका अर्थ कदापि यह नहीं है कि अगर दोनों पिंड गोल नहीं है तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं करेगा, यानी है तो उसका सिद्धांत किस पिंड के लिए? गोलीय पिंड के लिए। मान लो गोलीय पिंड नहीं है तो इसका अर्थ ये थोड़ी है जो दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करेगा, करेगा, लेकिन इसका कैलकुलेशन थोड़ा कठिन है, मतलब इजी नहीं है। बात को समझ रहे हो? तो यही पंक्ति लिख दिए हैं, इसका अर्थ कदापि यह नहीं है कि अगर दोनों पिंड गोल नहीं है तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं करेगा,
पिंड अगर गोल नहीं हो तो ऐसी स्थिति में दोनों पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल की गणना सरल नहीं होता है। क्लियर हुआ? यानी कार्य तो करेगा ही एट एनी कॉस्ट, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा लंबा होता है। फिर अगर दोनों पिंड गोल है तो उनके बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल अर्थात एफ बराबर ये जो फॉर्मूला होता है इसमें आर दोनों पिंडों के केंद्र के बीच की दूरी को बतलाता है। यानी चित्र भी बना दिया है, ये M1 पिंड है, M1 द्रव्यमान वाला, ये M2 द्रव्यमान वाला, दोनों के बीच ये R का वैल्यू जो लेंगे तो दोनों के सेंटर को मिलाने वाली रेखा को हम लोग R कहेंगे। तो ये इसका कंसेप्ट बन गया। ठीक है, इसको उतारो सेकंड में। अब पहला का बी देखो, ये सेकंड चैप्टर जो पढ़ाए थे उसमें फोर्स की परिभाषा बतलाए थे। फोर्स का एक अपना डायरेक्शन होता है, ये बात सत्य है 100%। जिस दिशा में हम लोग फोर्स लगाएंगे पिंड उसी दिशा में गतिशील होगी, यानी स्ट्रेट लाइन उसका वास्तव में डायरेक्शन होता है। इस पर फोर्स लगाएंगे तो सीधी सरल रेखा में ये, अगर पृथ्वी इसको नीचे की ओर नहीं खींचे तो सीधी सरल रेखा में आगे की ओर बढ़ती चली जाएगी। इसी तरह मान लो दो पिंड है तो इसका सेंटर C1 हुआ, इसका सेंटर C2 हुआ। अब इसका द्रव्यमान M1, इसका द्रव्यमान M2, तो ये इस पिंड को ये पिंड, या पहले इसी पर आओ, इस पिंड को M2 द्रव्यमान वाले पिंड को M1 द्रव्यमान वाला पिंड अपने केंद्र की ओर आकर्षित करेगा। तो यानी इसको सीधे अपने ये इसको अपने केंद्र की ओर आकर्षित करेगा, और ये पिंड M2 द्रव्यमान वाले भी इस पिंड को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करेगा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे ये निष्कर्ष निकलता है दो पिंडों के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है इसकी दिशा एक सरल रेखीय है ना। अंतर इतना ही है, एक पिंड अपने केंद्र की ओर आकर्षित कर रही है तो दूसरा पिंड अपने केंद्र की ओर, यानी फोर्स का डायरेक्शन अलग अलग है लेकिन दोनों डायरेक्शन एक सरल रेखीय है। क्लियर? जान रहे हो, समझ रहा है ना? अपोजिट डायरेक्शन, हाँ, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखीय फोर्स लगता है और वह उस फोर्स की दिशा सेंटर सेंटर की ओर होता है। दूसरे पिंड को पहला पिंड अपने सेंटर की ओर आकर्षित करेगा तो दूसरा पिंड अपने सेंटर की ओर आकर्षित करेगा, और दोनों का फोर्स का जो ये सरल रेखीय दिशा होगी, एक दूसरे के विपरीत आकर्षित करेगा, लेकिन दिशा क्या होगी? केंद्र की ओर होगी और सरल रेखीय रेखा, मतलब सरल रेखा में होगी। तो इसका आंसर ये हुआ। इसको पढ़ो तो तू लोग समझा, दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा पिंडों के अपने केंद्र की ओर होती है ना। यह बल दोनों पिंडों के केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा, सरल रेखा के अनुरेख अलोंग, ये सरल रेखा के अलोंग अनुदिश होती है। समझ गया इसको? चलो उतारो इसके बाद सी। क्वेश्चन नंबर सी, पृथ्वी पर एक 40 किलोग्राम का लड़का बैठा है, दे दे 40 कुंटल का हाथी भी बैठा है तो पर भी निकाल सकते हो। तो पृथ्वी पर एक 40 किलोग्राम का लड़का बैठा है, पृथ्वी कितना गुरुत्व बल, पोस्ट में लिख दें गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी कितना गुरुत्व बल से उस लड़के को अपने केंद्र की ओर खींच रही है। तो यहाँ फार्मूला एफ बराबर एफ, पृथ्वी एफ बल लगाती है, गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्व बल, तो जी एम एम, देखो पृथ्वी के लिए कैपिटल एम और लड़का के लिए 40, हाँ, बटा आर स्क्वायर, और एफ बराबर जी का मान हो गया 6.673
होता है ना, बोलो। हाँ। गुने 10^11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा किलोग्राम स्क्वायर। एम पृथ्वी का मान कितना है, ये एम 6×10 ये 10^10 6×24 किलोग्राम। लड़का का द्रव्यमान एम कितना है, 40 किलोग्राम। और बटा में दे दो आर है ना, तो आर आर का मान 6400 किलोमीटर है। इसको मीटर में बदलना है ना, तो 6400 किलोमीटर यानी 6×10^4 6400 किलोमीटर। इसको मीटर में बदलेंगे तो सीधे 1000 से गुना कर दो, तो 64 पर हो गया 2 × 4 6, 6 तो शून्य हुआ, यानी 64×10^6 होगा ना, 6 शून्य, तो ये हो गया 6400। इसको बदल दो मीटर में तो 1000 मीटर का होल स्क्वायर, 100 मीटर दिए, 1000 होगा, 1000 मीटर, मीटर में बदल गया, तो ये हो गया 6.673×10^-11 6400 किलोमीटर। आर का मान हुआ, तो 6400 किलोमीटर का होल स्क्वायर होगा, तो ये 6400 किलोमीटर को कोस्ट में मीटर में बदल दिए, समझा। पहले इसमें किलोग्राम स्क्वायर है, यहाँ देखो किलोग्राम किलोग्राम, तो किलोग्राम स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर आ जाएगा तुमको, ये बच गया न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऊपर में फिर बच रहा है 6×10^24 6×10^24 × 40 बट्टा में आ गया, मीटर स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, तो ये 64×3 = 5 × 10^5 चलो 10^3 = 5 हाँ 10^5 इसका होल स्क्वायर हो गया। इसको कैलकुलेट करके तुम लोगों को ये आएगा 391 न्यूटन, समझा। कैलकुलेट करोगे तो अंत में इतना आएगा, 391 न्यूटन। हाँ, तो इसका अर्थ है 40 किलोग्राम का कोई लड़का बैठा हुआ है तो पृथ्वी इस पर कितना बल लगाती है, 391 न्यूटन। तो इतना तक समझ गया, अब रहने दो अगले पार्ट में।